Focus, right? And the legs.
Ja, vielleicht sollte man es auch nicht später geben. Ich will nur Bounce machen. Yes, look here. Look here. Hi. Hi. Yes. Okay. पीछे पे हाँ दरवाजा मेरे को नहीं मिलेगा ना, ये कंप्लीटली ये डाउन मिलेगा आपको इधर आना नहीं Sí.
second Raja. Come here. It's okay, let her be asked. No, you just let him. Because he's not in the mood. He's biting his hands. Ranchi. बॉडी को इतर तंथा टच नमस्कार, आप सबको भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे घर पे अब की बार बाल गणेश आए हैं। आई एम श्योर आप सब लोग आपने गेस कर लिया होगा, क्योंकि मेरे घर पे छोटे से बाल हैं, इसीलिए हमने अब की बार हमारे घर पे बाल गणेश हम लेकर आए हैं। डेकोरेशन की बात करें तो आपने बहुत अच्छा इनको सजाया है, कैसे मतलब क्या प्लानिंग की थी इनको? वैसे तो गणपति बाप्पा को हर साल ही हम अच्छे से सजाते हैं, पर अगर आप नॉर्मली भी देखें रियल लाइफ में, बच्चों को आप जितना सजाएं वैसे वो बड़े क्यूट लगते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ बाल गणेश है, इसीलिए हमने ये सब ज्वेलरी का डेकोरेशन करवाया है। प्लस उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे ग्रीन्स हैं, फ्लावर्स हैं, वाटर है, उस तरफ वाटर भी है। वो स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि अब की बार हमारे गणपति बाप्पा डेडिकेटेड है हमारे छोटे बच्चे को,
रुद्रांश को, और हम ये चाहते हैं कि रुद्रांश जैसे वो ग्रो हो रहा है अपने ग्रोइंग एज से ही नेचर का पानी, वाटर एंड ग्रीनरी, प्लांट्स, फ्लावर्स और स्मोक, इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों का वैल्यू करे, इन सब चीज़ों की वैल्यू करे. इस वजह से हमने अब की बार डेडिकेट किया है हमारा डेकोरेशन टू मदर नेचर. वेल, गणपति बापा इको फ्रेंडली नहीं है, सॉरी नॉट दिस टाइम, बिकॉज बाल गणेश हमें इको फ्रेंडली में मिल नहीं रहे थे, बट इसीलिए वी मेड अप फॉर इट. हमने डेकोरेशन उनका वी मेड श्योर, हमने बहुत सारे ग्रीन्स एंड वाटर, इसीलिए हमने डेकोरेशन वी मेड इट इको फ्रेंडली एंड एज आई सेड डेडिकेटेड टू मदर नेचर. सो वी वॉन्ट आवर बेबी टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर नेचर. गणपति जी की बात करें तो आप क्या इम्पोर्टेंस है गणपति जी का आपकी लाइफ में, कैसे उनको अपने देवता मानते हैं? सब लोग ये जानते हैं कि गणपति बापा जो है उनको लॉर्ड ऑफ बिगिनिंग्स बोला जाता है. किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले, हम जब शूट करते हैं हर दिन सुबह की शूट शुरू होने से पहले भी पहला रोल गणपति बापा का रोल होता है, और उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं. गणपति बापा को विघ्नहर्ता बोला जाता है कि कोई भी हर्डल्स हमारे काम में अगर आए तो हम पहले ही गणपति बापा की वंदना करते हैं कि बापा अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप हमें माफ़ कीजिए और हमारा काम बगैर किसी विघ्न के, बगैर किसी हर्डल के पूरा होने दीजिए. तो एग्जैक्टली सेम तरीके से मेरे लिए गणपति बापा भी इम्पॉर्टेंट है. हर ट्यूज़डे, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हर ट्यूज़डे मैं सिद्धिविनायक मंदिर जाके पापा के दर्शन लूँ और उनका आशीर्वाद लूँ. सो गणपति पापा डेफिनेटली इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ. पापा के कितने दिनों तक की सेवा करेंगे? हर साल हमारे यहाँ पापा 5 दिन के लिए हम पापा को लेकर आते हैं, और ये प्रथा जो है मेरी फादर इन लॉ ने शुरू की थी हमारी फैमिली में. मोर देन 40 ईयर्स हो रहे हैं अब जो पापा हमारे घर पर आते हैं 5 दिनों के लिए. आप लोगों को शायद पता होगा कि विश जो है वो बताई नहीं जाती जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है. तो एग्जैक्टली द सेम वे विश तो हाँ, मैंने ऑफकोर्स मांगी है. बहुत इंसान बहुत लालची होता है, मैं भी बहुत लालची हूँ, तो इस वजह से मैंने पापा से विश मांगी है. जो जैसे ही पूरी होगी मैं याद से आप सबको बताऊँगी कि ये मैंने हमारे बाल गणेश से विश मांगी थी. और जहाँ तक हम इको फ्रेंडली गणपति की बात कर रहे थे, बिकॉज एज आई सेड इस साल हम गणपति बापा हमारे बाल गणेश इको फ्रेंडली नहीं ला पाए हैं, इसीलिए लाइक एवरी ईयर हम हमारे गणपति बापा का विसर्जन जो करते हैं वो इको फ्रेंडली तरीके से करते हैं. हमारे एरिया में लोखंडवाला में एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है जिसमें हम बापा का विसर्जन करते हैं. तो बापा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिससे भी बनते हैं वो समुंदर में या नदी में जाके वहाँ के माहौल को ख़राब नहीं करते हैं. आर्टिफिशियल पॉन्ड होता है जिसको बाद में डिस्कार्ड किया जाता है. तो वी मेक श्योर दैट वी डू नॉट हमारी वजह से या हमारी खुशी की वजह से नेचर को कुछ तकलीफ. 5 दिनों तक पापा जी घर पर रहने वाले हैं, क्या कुछ फंक्शंस होने वाले हैं, कैसे आप सेलिब्रेट? अरे हमारे यहाँ तो गणपति बापा या गणेश चतुर्थी जो होते हैं 5 दिन के, वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे मनाए जाते हैं. ऐसा ऐसा 40 साल से भी ज़्यादा अब हो रहे हैं जो हमारे घर पे बापा आ रहे हैं. 5 दिन जो है वो उत्सव लगा रहता है, सुबह शाम एवरीबडी, लाइक माई फैमिली, आई गॉट अ बिग फैमिली, 2 ब्रदर्स इन लॉ हैं, 1 सिस्टर इन लॉ है, ऑल फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, थोड़े दूर के फ्रेंड्स, बिल्डिंग के लोग. तो सुबह शाम 5 दिन जो है सुबह से लेके शाम तक हमारे घर का दरवाज़ा खुला रहता है एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली कम, खाना लंच होता है, डिनर होता है, तो इन फैक्ट आप सब भी इनवाइटेड हैं प्लीज़. तो 5 दिन इट्स लाइक अ बिग उत्सव, मुझे बहुत, आई रियली रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, बहुत मज़ा आती है. आज ऐसे सुनने में आया कि आप भजन भी कुछ गाने वाली हैं, तो उसका क्या प्रोग्राम? यस, फेसबुक, क्योंकि मैं गाना भी गाती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ, फैक्ट मेरे हस्बैंड नहीं चाहते हैं कि मैं म्यूज़िक से दूर रहूं, इसीलिए अब मैं हर सैटरडे को मेरे फेसबुक के फ़ैन पेज मिताली नाग पे फेसबुक लाइव हम करते हैं 8 बजे, थोड़ा बहुत 15 मिनट आगे पीछे, बट अराउंड 8 o'clock हम एक 10 से 15 मिनट का फेसबुक लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम हर हफ्ते एक नई थीम पे लाइव गाने गाते हैं. मेरे फ्रेंड हैं कंपोज़र सूर्या विश्वकर्मा जो मेरा गिटार पे साथ देते हैं, और आप सब लोग दर्शक जो देखते हैं वो सब साथ देते हैं. बट या 15 मिनट्स के लिए हम हर सैटरडे एक कोई ना कोई थीम पकड़ के करते हैं. अब क्योंकि फेस्टिव सीज़न है इसलिए आज की शाम, सैटरडे की शाम, हमने थीम रखा है भजन और भक्ति गीत.
तो आप लोग प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ जाके अपनी फरमाइश दीजिए, और हो सका तो मैं आप लोगों की भजन या भक्ति गीत की फरमाइश आज की शाम 8 बजे फेसबुक लाइव पे ज़रूर पूरी करूँगी। क्यों ना उस भजन की दो लाइनें हमें भी सुना दीजिए। चलिए, भजन तो नहीं पर बापा का एक श्लोक है, वो मैं ज़रूर आप लोग को गा के सुनाऊँगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। थैंक यू। इनफैक्ट मैंने तो उसके उससे HD वीडियोस भी शूट किए, इसमें हाई डेफिनेशन वीडियोस का क्वालिटी, पर ये छोटू सा है ना, बड़ा क्यूट लग रहा है, मेरे हाथ में ऐसे बेटा बस लग रहा है, वेरी नाइस। कैनन का है, ठीक है, थैंक यू, आई विल बाय दिस वन। हां मतलब हम तो और अभी इवेंट में भी बड़ा मजा गया, ऑलरेडी मैंने कल जबकि मैं आपकी बार लेट हो गई वो थीम अपडेट करने में, सच सच तो कल जब से थीम अपडेट किया तब से अब तक 4-5 लोगों ने और ऐसे भयंकर भयंकर मुझे जो थीम गाने का बाबू मैं कैसे गाऊंगी इतने डिफिकल्ट गाने, क्योंकि भगवान के गाने ऐसे थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो चलो जो भी उसमें से बेस्ट मैं गा सकती हूँ, मैं सुबह से वही रिहर्सल कर रही हूँ। बहुत बढ़िया रियली, थैंक यू। हमारे क्या हमारे बेटे की रुद्रांश ही गणपति की बात, तो हमने मतलब सजावट और सब एकदम बहुत। थैंक यू।